एमबीसी में जॉब के लिए आपको बी टू लेवल क्लियर करना होता है एटलीस्ट मिनिमम, ठीक है। बी टू लेवल होता है इंटरमीडिएट लेवल, अपर इंटरमीडिएट लेवल होता है, सॉरी अपर इंटरमीडिएट लेवल, दिस इज अपर इंटरमीडिएट लेवल। ये आपने कर लिया, उसके बाद आप अप्लाई डायरेक्टली ऑन एम्बेसीज वेबसाइट। आप किसी भी जिस एम्बेसी में भी जाना चाहते हो, जैसे फ्रेंच एम्बेसी, स्पेनिश एम्बेसी, उनकी वेबसाइट पर जाओ और डायरेक्टली अप्लाई करो, अपना सीवी और अपना कवर लेटर अप्लाई करो, हो जाएगी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज जॉब पोर्टल, Naukri.com, Indeed, Shine, Times, इनका भी यूज कर सकते हो। हर मतलब हफ्ते में एक बार, दो हफ्ते में एक बार जाके चेक करते रहो कि जॉब निकली कि नहीं निकली। नेटवर्क विद प्रोफेशनल हु आर वर्किंग इन एम्बेसी थ्रू लिंक्डइन। जो भी लोग उस एम्बेसी में काम करते हैं, एचआर, जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, उनको लिंक्डइन पे जाकर कनेक्ट करो। लिंक्डइन पर उनसे कनेक्शन बनाओ, उनसे कनेक्टेड रहो। और कनेक्टेड होने का मतलब क्या, कि अगर कोई त्यौहार आ रहा है तो उनको विश करो, उनका बर्थडे देखो, बर्थडे क्या हुआ, उनको बर्थडे पे विश करो, कुछ शेयर करो, कुछ वैल्यूएबल उनके साथ में शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको पता होना चाहिए कि ये प्रशांति कौन है, ये गजेंद्र कौन है, दे शुड नो यू। ऑलवेज रिमेंबर दिस, विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में भी और जॉब में भी, समझ रहे हो, विजिबिलिटी की कीमत है, विजिबिलिटी, सो यू हैव टू बी विजिबल। आप सपोज, मैं कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छा वो आता है, बहुत अच्छे ट्रांसलेटर हो, और मुझे, मेरे घर के बगल में रहते हो, और मुझे एक पूरी बुक है जो ट्रांसलेट करानी है, कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कराना है। अब मैं बाहर के लोगों को ढूंढ रहा हूँ इंटरनेट पे, ट्रांसलेटर्स इन दिस फॉर दिस, जबकि मेरे घर के बगल में एक ऐसा ट्रांसलेटर बैठा हो जो बेस्ट ट्रांसलेटर है, तो इसमें गलती किसकी है, मेरी है आपकी? गलती इसमें आपकी है, क्योंकि आपने अपनी ब्रांडिंग की नहीं है, आपने अपना प्रमोशन किया नहीं है, मैं आपको जानता ही नहीं हूं। पीपल शुड नो यू, पीपल शुड नो यू। लोग अभी तक आपको, जो आपके घर वालों ने बोला है ना बचपन से, अनजान लोगों से बातें मत करो, अनजान लोगों से मत करो, बिल्कुल बेकार चीजें हो। पीपल शुड नो यू, ओनली स्ट्रेंजर्स कैन गिव यू मनी। लिख लो इस बात को, आपके फैमिली मेंबर्स वो लोग आपको पैसे नहीं देंगे, आपके स्ट्रेंजर्स ही आपको पैसा देंगे, स्ट्रेंजर्स ही आपको जॉब देंगे, स्ट्रेंजर्स ही आपको बिजनेस देंगे। जितने ज्यादा लोग आपको जानेंगे उतना ज्यादा बेहतर है, दे शुड नो योर सर्विस। अभी जैसे मुझे बहुत कई लोग जानते हैं, तो वो लोग मुझसे बोलते भी, रिलेटिव में भी, अच्छा मेरे का ये है, वो सीखना चाहता लैंग्वेज, मेरा ये है, अच्छा सीखना चाहता लैंग्वेज, इसको सिखा दो भाई, इसको ये करा दो भाई, इसको यूट्यूब सीखना है। पता नहीं मेरे भाई तक के दोस्तों तक को पता नहीं कहाँ का पता हुआ है। अब जब भी उनको फ्रेंड सीखनी है, या मान लो करियर काउंसलिंग चाहिए फॉरन लैंग्वेज में, या मान लो उन्हें कुछ और चीज चाहिए, तो वो मेरे पास आएंगे, ये होता है, ठीक है। दे शुड नो यू, एवरी वन शुड नो यू। जिस कंपनी में जा रहे हो ना, उस कंपनी के एचआर से लेके सब, तंग कर दो उनको, पीछे पड़ जाओ उन लोगों के, बोले भाई कौन है। इससे पता क्या और होता है, जब आप लगातार सीवी भेज, जब आप लगातार किसी के सामने आते हो, इससे पता क्या होता है, साइकोलॉजिकल, इसके पीछे बताऊं साइकोलॉजी। एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई जाती है ना, एडवर्टीजमेंट आप देखते हो, एडवर्टीजमेंट कोका कोला की, सब हर बार एडवर्टीजमेंट देख रहे हो उसकी, क्यों दिखा रहे हो, आपको एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितनी बार आप उनको देख रहे हो ना, उनका ब्रांड आपके माइंड में आ रहा है। बाबा रुके, अब बाहर जाओगे कोल्ड ड्रिंक पीने, किसी कोल्ड ड्रिंक पियोगे? कोका कोला। कोल्ड ड्रिंक मतलब कोका कोला, पानी मतलब बिस्लरी। क्योंकि बार बार गिने की उनके एड उनके सामने, हमारे उनके आता रहता है उन्हीं रिलेटेड। जब आप किसी भी चीज को बार बार देख लेते हो ना, तो उसका माइंड में, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज चली जाती है। तो जब भी आपके माइंड में मान लो कोई चीज चाहिए, पानी बिस्लरी, कोल्ड ड्रिंक कोका कोला, फ्रेंच, अरे अंकित सर, या मान लो पाथवेज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, ऐसे होता है। अब जैसे मैं एक एचआर हूँ कंपनी में, तो एचआर के पास क्या होता है, डेटा होता है। वहां पर एक जॉब निकली है, एक किसी को निकाल दी, एक जॉब निकली है वहां पर, मान लो फ्रेंच इंस्ट्रक्टर की, स्पेनिश की, जर्मन की। अब जब मेरा सीवी वहां जाएगा ना उनकी ईमेल में, तो बार बार देखेगा कि एक लड़की है प्रशांति या मीशा, ये बार बार अपना सीवी भेज रही है, ठीक है। और उसको मालूम पड़ गया कि मीशा प्रशांति नाम से कोई है, फ्रेंच इंस्ट्रक्टर है, स्पेनिश इंस्ट्रक्टर है, सॉरी इसको एक्सपर्ट है, ठीक है। अब जब भी उस कंपनी की जरूरत पड़ेगी ना, तो उस एचआर के माइंड में किसका नाम आने वाला है, अरे उस क्यों करते हैं, अरे वो लड़की बहुत टाइम से कर रही है। सबसे पहले वो आपका अप्रोच करने वाली है, मेल मेल देखे कि आप आइए। लेकिन आपने मेल भेजा 4 महीने पहले, एक ही बार मेल वो रह के भेज दिया आपने, वो पड़ा हुआ है उनके बहुत पीछे, उनके लिस्ट में, ऐसा होता है। तो सामने रहना बहुत जरूरी है, इट हैज टू बी विजिबल, ठीक है। तो आप कल को कोई भी कुछ करो, हमेशा विजिबल रहो, दे शुड नो यू। जिस कंपनी में भी चाहते हो, अगर मैं चाहूँ ना आज के टाइम में, अगर मुझे एप्पल में जॉब करनी है, तो मैं कर सकता हूँ, अगर मैं ठान लूँ इस बात को, अगर मेरी क्वालिफिकेशन है और मैं लिख ली, मैं कैसे भी करके, मुझे मान लें मैं करके रहूँगा जॉब एप्पल कंपनी में, गूगल में जॉब लगा के रहूँगा, पीछे पड़ जाऊँगा मैं, सीवी सेंड करूँगा, फॉलो अप करूँगा, उसके लोगों को कनेक्ट करूँगा,
आई डू वट एवर इट टेक्स टू गेट इट डन, मेरा सपना है, पीछे नहीं छोड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कुछ भी तरीका अपनाऊंगा, टेढ़े रास्ते जाऊंगा, कहते ना उंगली टिड़ी कर लूंगा वो घी निकालने के लिए, लेकिन कुछ भी करूंगा, बट आई डू वट एवर इट टेक्स। तो वो एटीट्यूड रखो, तो वो करना बहुत जरूरी है, इसका आपको याद रखना है। मंजिल चेंज नहीं करेंगे, रास्ता चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो करो वहां पर जाके। तो उनके एचआर को कनेक्ट करो, ट्रांसलेटर्स को कनेक्ट करो, उनसे कनेक्शन बनाओ, और धीरे धीरे लगातार उनकी वेबसाइट पर जाके एम्बेसी में चेक करते रहो हर 15 दिन में कि जॉब है कि नहीं, ऐसे करते रहो, ऐसे आपको एडवांटेज मिलेगा ओवर द पीपल।